हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कोकोनट क्रीम का DIY। ये क्रीम आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाकर उसे ग्लोइंग बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ले लीजिए एक कच्चा नारियल, और उसके बाद में आप आधे नारियल के छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए कुछ इस तरह से, और जो इसका पानी है उसे आप अलग बोल में निकाल लीजिए। अब इसके बाद में आप एक मिक्सचर जार लेकर उसमें इन पीसेस को डाल दीजिए, और इसके साथ में ऐड कीजिए 4 से 5 चम्मच कोकोनट वाटर जो हमने अलग बोल में निकाल के रखा हुआ था, और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। और इसके बाद में कोकोनट मिल्क को इससे अलग कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से। मैंने यहाँ पर कोकोनट मिल्क को अलग कर लिया है। अब इसके बाद में एक अलग बोल लेकर उसमें ऐड कीजिए 3 चम्मच एलोवेरा जेल, फिर ऐड कीजिए 1 से 1.5 चम्मच कोकोनट मिल्क। आप इस कोकोनट मिल्क को आराम से फ्रिज में 2-3 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर इसके बाद में ऐड कीजिए 1/2 चम्मच नींबू का रस, लेमन जूस, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर ये स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स ना हो तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब हमारी जो क्रीम है वो बनकर तैयार हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये एकदम मार्केट की क्रीम की तरह बनकर तैयार हुई है। अब कुछ इस तरीके का कंटेनर लेके आप अपनी क्रीम को इसमें फिल कर लीजिए। आप इस क्रीम को सोने से पहले थोड़ा सा लेकर अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई कर लीजिए, और इसे जब तक अप्लाई कीजिए जब तक कि ये आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। और इसे आप 15 से 20 दिन के लिए ट्राई कीजिए, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको ये DIY पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।